आप सभी को नमस्कार। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ महीनों पहले एक स्कॉलरशिप टेस्ट की अनाउंसमेंट करी थी और उस स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम था अभ्यास 2023। ये सरजी एकेडमी ऊना जो स्थित है वहां पे इस एकेडमी ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा था जो कि 29 जुलाई को हो चुका है और उसके टेस्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उन टेस्ट की जो रिजल्ट्स आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती थी। मैं आप लोगों को बताऊं कि लगभग 269 बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया था और 118 बच्चों ने इस टेस्ट में भाग लिया और क्वालिफिकेशन इस तरीके से थी कि पेपर वन में लगभग आपको 35% मार्क्स चाहिए थे और पेपर टू में आपको 50% मार्क्स चाहिए थे तब आप इस एग्जाम में क्वालिफाई या पास माने जाते। और इस पूरे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की ने ही इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है मेडिकल सेक्शन की। मैं उनको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं। उनका नाम है ज्योति बालाजी और एंड शी इज डॉटर ऑफ श्री सुभाष चंद जी और ये नकड़ो एरिया से है ऊना में अम से। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ पूरे के पूरे परिवार को कि आपने अपनी बच्ची को एक अच्छी प्रेपरेशन दी है और उसको सपोर्ट किया है। बाकी इसमें ऐसा भी था स्कॉलरशिप के उसमें कि जो टॉप 18 लोग आते उनको फ्री कोचिंग भी मिलती सरजी एकेडमी के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कुछ बच्चे पेपर वन में क्वालिफाई कर गए तो कुछ पेपर टू में रह गए वाइस वर्सा। कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ज्योति बाला को इसमें फर्स्ट जो कैश प्राइस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 51,000 का। जो हमने सेकंड रखा था वो 31,000 का कैश प्राइस था और जो थर्ड था वो 21,000 का कैश प्राइस था जो कि किसी भी बच्चे ने नहीं जीता है। इसका एक रीजन मैं ये मान सकती हूं कि हिमाचल में त्रासदी इस समय चली है और बहुत समय से मौसम खराब है तो हमारे और जिले से बच्चे जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे वो नहीं कर पाए। और दूसरा एक अहम मैं इसमें रीजन ये भी मानती हूं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूं कि शायद हमारी तैयारी उस दर्जे की नहीं थी। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको मिनिमम 6 महीने की तैयारी आपको किसी भी हाल में चाहिए और अगर इससे कम तैयारी हम कर रहे हैं तो हम अपना असली एग्जाम कभी नहीं निकाल पाएंगे। बहुत समय से वैकेंसीज भी नहीं आई है इस चीज की, लेकिन वैकेंसी नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तैयारी को फुल स्टॉप लगा दें। ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट जहां पे आप लोगों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है आपको जरूर इसमें पार्ट लेना चाहिए। हम अपने समय में जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते थे टेस्ट दिया करते थे क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। तो आप लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान से यही प्रार्थना है कि हिमाचल की त्रासदी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लोग रिकवर कर जाएं और सरजी एकेडमी अब इस टेस्ट को फरवरी 2024 में कंडक्ट करने वाली है। तो आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है इसको प्रिपेयर करने का। 50,000 30,000 21,000 कम छोटी रकमें नहीं होती है। जो जिन परिवार के लोग हैं बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और इतना बड़ा अमाउंट उनके लिए बहुत वैल्यू रखता है, मैं समझती हूं इस बात को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी को आप शुरू करें, मेरे साथ बने रहें और फरवरी 2024 में जब ये टेस्ट होगा तो मैं भी आप लोगों से जरूर वहां पे मिलूंगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू अगेन कॉन्ग्रेचुलेट ज्योति बाला कि आपने अपनी तैयारी अच्छी करी है एंड भगवान करे कि जब भी वैकेंसी आए आप उसमें टॉप करें। सो थैंक यू सो मच।